अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जतोई न्यूज और मैं हूं नायला भट्टी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इलाकाई खबरों के साथ। 2 मार्च को सिंध बलोचिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम और ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत बलोच कल्चरल डे का इनेकाद किया गया, जिसमें बलोची सकाफत और बलोची रिवायती खानों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। कल्चरल डे के मौके पर रंगारंग तकरीबात रात गए तक धूमधाम के साथ जारी रहीं, जिसमें बलोची दो चापी रक्स गाने और मुख्तलिफ खाकों के अलावा म्यूजिक कंसर्ट भी हुआ, जिसमें बलोची सेंटर्स ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस पुरवकार तकरीब में डायरेक्टर जनरल ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजीब रहमान कमरानी और सदर सिंध बलोचिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम पाकिस्तान चैप्टर अरशाद अली शाद और चेयरमैन मीर अब्दुल गफूर कलमती वेलफेयर ट्रस्ट अरशद कलमती पुरवकार तकरीब में GOC पार्क आर्मी 44 डिवीजन जनरल मेजर इनायत हुसैन डिप्टी कमिश्नर ग्वादर कैप्टन जमीर रिटायर्ड अहमद रिंद चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी नसीर अहमद काशानी डायरेक्टर टाउन प्लानर शाहिद बलोच अख्तर मलंग नजर अहमद बलोच बिलावल कुरैशी फसीहुद्दीन कुरैशी इफाफान कुरैशी मुमताज़ काशानी शयनवर बलोच मोइस कुरैशी शाहनवास नौशीरवानी समद बलोच यहया बलोच समेत बलोची मर्द ख्वातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। आप देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज अहमद आकाश, जतोई न्यूज़। देखते रहिए जतोई न्यूज़। सिंध बलोचिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम का मैं पाकिस्तान चैप्टर का प्रेसिडेंट हूं, इरशाद अली शाद मेरा नाम है। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का हमारा मकसद ये है कि सकाफत जो है बलोचिस्तान की, वो एक कदीम तारीख रखती है और उसको उजागर करने के लिए, उसको ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना लाजमी अमर है। लिहाजा हमने आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और यहाँ के मुकामी लोगों को ये बावर कराया है कि भाई इसको मनाना हमारी ज़रूरत है, हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए कि सकाफत ही पहचान होती है और शनाख्त होती है, हमें अपनी शनाख्त को उजागर करना है और इंशाल्लाह यहाँ के मुकामी लोगों को हम रोज़गार भी फराहम करेंगे उनके साथ मिलकर और एक बिज़नेस के आला तबकों के अंदर इनका शुमार होगा।